1 मई को चेन्नई से कोरोना क्वारंटाइन सेंटर की खिड़की तोड़कर भागे धौलपुर जिले के 2 युवकों में से एक को कोतवाली थाना क्षेत्र की सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। चौकी प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि धौलपुर के 2 युवक चेन्नई में कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिन्हें चेन्नई में ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, लेकिन दोनों युवक क्वारंटाइन सेंटर की खिड़की तोड़कर भाग गए थे। जिनके धौलपुर पहुंचने की सूचना पर पुलिस लगातार एमपी बॉर्डर पर निगरानी रखे हुए थी, जिसमें एक आगरा के रहने वाले युवक के साथ बिहड़ों के रास्ते धौलपुर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश से राजस्थान का है, उस पर आज मोनू पुत्र बुरा निशाल बड़ा गांव करौली का रहने वाला, सरमथुरा का रहने वाला, जो चेन्नई से पॉजिटिव बताया था अखबार की कटिंग के अनुसार, यहाँ हमने पैदल आ रहा था, रोका और पकड़ा तथा मेडिकल टीम के सहयोग से उसको अधिकारियों को सूचना दी और उनको क्वारंटाइन में भेज दिया। इसके साथ एक और भी कोई युवक है इसके साथ कोई? हाँ, इसके साथ एक और है, यूपी का युवक है। क्या नाम है उसका? देखिए, राम दुलारे सनोफ गंगाराम गंगाराम जो आगरा आगरा आगरा